दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जासूसी रेडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शेरलॉक होम्स की शानदार कहानी द बॉस्कम वैले मिस्ट्री, यानी बॉस्कम घाटी का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी बॉस्कम घाटी का रहस्य। एक सुबह मेरी वाइफ और मैं हम नाश्ते पर बैठे थे, तभी एक टेलीग्राम लेकर नौकरानी अंदर आई। ये शेरलॉक होम्स की तरफ से था और जिस पर इस तरह से लिखा था, क्या तुम्हारे पास देने के लिए दो दिन है? बॉस्कम घाटी त्रासदी के संबंध में वेस्ट इंग्लैंड से अभी अभी एक तार मिला है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ आओगे। आबो हवा और मंजर बहुत ही सुहाना है। 11:15 बजे तक हमें पेडिंगटन छोड़ना है, क्या कहते हो प्यारे? मेरी तरफ देखते हुए मेरी वाइफ ने कहा, क्या तुम जाओगे? मैं वाकई नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कहूँ। अभी इस वक्त मेरे पास कामों की एक काफी लंबी लिस्ट है। ओह एंस ट्रूथर, तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों को देख सकता है। पिछले कुछ वक्त से तुम थोड़े मुरझाए हुए दिखाई देते हो। मैं सोचती हूँ कि ये बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, और तुम तो हमेशा ही शेरलॉक होम्स के कामों में इंटरेस्ट लेते हो। अगर मैं इस बात को ना देखूं कि उनमें से एक के दौरान मुझे क्या मिला था, तो मैं एहसान फरामोश होऊंगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन अगर मुझे निकलना है तो मुझे तुरंत ही सामान बांधना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का ही वक्त है। अफगानिस्तान में कैंप लाइफ के तजुर्बे ने कम से कम मुझ पर ये असर छोड़ा था कि मैं फुर्तीला और मुस्तैद मुसाफिर बन गया था। मेरी जरूरतें थोड़ी और मामूली थीं, जिसकी वजह से कम वक्त में ही मैं अपने वेलेस के साथ एक बग्घी में था, जो खड़खड़ाते हुए लगातार पेडिंगटन स्टेशन की तरफ ले जा रही थी। शेरलॉक होम्स प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था। उसकी लंबी पतली दुबली आकृति, उसके लंबे स्लेटी यात्री लबादे और चुस्त सिली हुई नुकीली टोपी की वजह से और भी ज्यादा पतली दुबली और लंबी हो गई थी। वॉटसन, तुम आए, वाकई ये तुम्हारी बहुत अच्छाई है, उसने कहा। ये बात मेरे लिए बहुत ही खास है कि कोई ऐसा शख्स जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ मेरे साथ हो। स्थानीय मदद हमेशा या तो किसी काम की नहीं होती है या पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। अगर तुम कोने की दो सीटें ले लो तो मैं टिकट ले लूंगा। हमने अपने लिए ऐसा डिब्बा चुना था जो कागजातों के उस विशाल अंबार को हिफाजत से रखने के लिए ठीक हो, जिसे होम्स अपने साथ लेकर आया था। इस अंबार के बीच उसने तब तक उलट पलट कर तलाशी ली और अध्ययन किया। बीच बीच में वो टिप्पणियां बनाता और मनन करता, जब तक कि हमने पढ़ाई की अति नहीं कर दी। फिर अचानक उसने उन सभी को एक बहुत बड़े गोले के रूप में लपेटा और उन्हें ऊपर रैंक पर फेंक दिया। क्या तुमने इस मामले के बारे में कुछ सुना है? उसने पूछा। एक लफ्ज भी नहीं। कुछ दिनों से मैंने पेपर नहीं देखा है। लंदन प्रेस ने पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। ब्यौरों में पारंगतता पाने के उद्देश्य से अभी मैं सभी हालिया अखबारों को देख रहा था। मैंने जो निचोड़ निकाला है उससे ये लगता है कि ये उन सबसे आसान मामलों में से एक है जो बहुत ही मुश्किल होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, अनोखापन या खासियत लगभग हमेशा ही एक इशारा है। एक जुर्म जितना ही ज्यादा मामूली और आम होता है, उसे सुलझाना उतना ही कठिन होता है। हालांकि इस मामले में उन्होंने मरने वाले आदमी के लड़के के खिलाफ बहुत ही गंभीर मुकदमा बनाया है। फिर ये कत्ल का मामला है? खैर, ऐसा होने की अटकलबाजी है। मैं ऐसे ही कुछ भी सच नहीं मान लूंगा जब तक कि निजी तौर पर मामले की छानबीन करने का मेरे पास मौका है। बहुत ही कम लफ्जों में, जहां तक कि मैं इसे समझ पाने में कामयाब रहा हूं, मैं तुम्हें ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। बॉस्कम घाटी एक गवई इलाका है जो हेयरफोर्ड शायर में मौजूद रॉस से ज्यादा दूर नहीं है। उस इलाके में मिस्टर जॉन टर्नर सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपना पैसा कमाया और कुछ सालों पहले ही इस पुराने गवई इलाके में वापस लौटा था। अपने खेतों में से एक खेत जो हेथलाई में था, उसने मिस्टर चार्ल्स मैककार्थी को किराए पर दे दिया, जो खुद भी एक ऑस्ट्रेलियन था। ये एक दूसरे से कॉलोनियों में परिचित थे, इसलिए ये आसान नहीं था कि जब बसने के लिए वो इस इलाके में आए तो जितना मुमकिन होता वो एक दूसरे के उतने करीब बसते। जाहिरी तौर पर टर्नर ज्यादा अमीर था, इसलिए मैककार्थी उसका किराएदार बन गया, बल्कि अभी भी बना हुआ था। उनकी खूबियों की बराबरी से ऐसा लगता है कि वो अक्सर साथ हुआ करते थे। मैककार्थी का 18 साल का एक इकलौता लड़का था और टर्नर की इकलौती लड़की भी उसी उम्र की थी।
लेकिन उन दोनों में से किसी की भी वाइफ जिंदा नहीं थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि सोसाइटी के पड़ोसी इंग्लिश परिवारों से वो लोग कट कर रहते हैं और अपनी तनहा जिंदगियों को जीते हैं। हालांकि दोनों मैकार्थी खेल के शौकीन थे और पड़ोसी की दौड़ सभाओं में अक्सर दिखाई दे जाते थे। मैकार्थी ने दो नौकर रखे थे, एक आदमी और एक लड़की। टर्नर के पास काफी घरेलू नौकर थे। इन परिवारों के बारे में ये उतनी जानकारी है जितनी कि मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। 3 जून यानी पिछले मंडे को हेथलॉय में मौजूद अपने मकान से मैकार्थी दोपहर 3 बजे के लगभग निकला था और पैदल टहलते हुए बोस्कोम तालाब की तरफ निकल गया, जो बोस्कोम घाटी में नीचे की तरफ बहने वाली एक अलग हुई धारा से बनी एक छोटी सी झील है। रॉस ने सुबह ही अपने नौकर के साथ बातचीत की थी और उसने अपने नौकर से कहा था कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि 3 बजे उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी। उस मुलाकात से वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। हेथलॉय फार्म हाउस से बोस्कोम तालाब 1/4 मील की दूरी पर है और जब वो इस मैदान से होकर गुजरा था तब 2 लोगों ने उसे देखा था। उनमें से एक तो बूढ़ी औरत थी जिसके नाम का जिक्र नहीं किया गया है और दूसरा विलियम क्राउडर था जो मिस्टर टर्नर के नियोजन में एक गेम कीपर है। इन दोनों गवाहों ने गवाही दी है कि मिस्टर मैकार्थी अकेले ही पैदल जा रहे थे। गेम कीपर ने यह भी कहा कि मिस्टर मैकार्थी के वहां से गुजरने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसने मिस्टर मैकार्थी के लड़के मिस्टर जेम्स मैकार्थी को अपने हाथ में एक बंदूक थामे उसी रास्ते से जाते हुए देखा था। उसे पक्का यकीन है कि बाप उस वक्त कुछ ही दूरी पर था और लड़का उसका पीछा कर रहा था। इस वारदात के बारे में जब तक उसने शाम को नहीं सुना था तब तक इस मामले पर उसने कुछ भी नहीं सोचा था। जब विलियम क्राउडर गेम कीपर की नजरों से वो ओझल हो गए तब उन दोनों मैकार्थियों को कुछ वक्त बाद देखा गया था। बोस्कोम तालाब जो हर तरफ से घने जंगली पेड़ों से घिरा है, उसके किनारे पर गोलाई में घास और नरकट बहुत ज्यादा तादाद में उगे हुए हैं। 14 साल की एक लड़की पेशेंस मोर्न, जो बोस्कोम घाटी रियासत के लॉज कीपर की बेटी है, उन्हीं जंगलों में से एक में से फूल चुन रही थी। लड़की का कहना है कि उस दौरान जब वो वहां थी तो उसने जंगल के किनारे पर और झील के पास मिस्टर मैकार्थी और उसके लड़के को देखा था और वो बहुत बुरी तरह से झगड़ते हुए मालूम पड़ रहे थे। उसने बूढ़े मैकार्थी को उसके लड़के से बहुत ही तेज लफ्जों में बातें करते हुए सुना था और उसने देखा था कि मैकार्थी के लड़के ने अपने हाथ को ऐसे उठा लिया था कि मानो कि वो अपने बाप पर जोर से हमला करेगा। उसके इस खतरनाक बर्ताव से वो इतनी डर गई कि वो वहां से भाग गई और घर पहुंचने पर और उसने अपनी माँ को बताया कि वो दोनों मैकार्थियों को बोस्कोम तालाब के पास झगड़ते हुए छोड़कर वहां आई थी और ये कि उसे शक था कि वो लड़ने जा रहे थे। उसने मुश्किल से अपने अल्फाजों को पूरा ही किया था कि तभी जवान मिस्टर मैकार्थी दौड़ते हुए लॉज में ये कहने के लिए आया कि जंगल में उसने अपने बाप को मरा हुआ पाया था और उसने लॉज कीपर से मदद की मांग की। वो काफी परेशान था और उस वक्त ना तो उसके पास उसकी बंदूक थी और ना ही उसकी टोपी और उसका दाहिना हाथ और आस्तीन ताजे खून के धब्बों से रंगे हुए थे। और जब सब लोग उसके साथ उस जगह पर पहुंचे तो मरने वाले की लाश तालाब के पास ही घास पर पसरी पड़ी हुई थी। सिर पर किसी भारी और कुंद हथियार से कई बार हमला किया गया था। चोटें ऐसी थीं जैसे शायद उसके लड़के की बंदूक की मूठ से उसके सर पर कई बार वार किया गया हो। इन हालात में उस नौजवान को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था और मौत की वजहों की न्यायिक जांच के बाद मंगलवार को जानबूझकर किए गए कत्ल के किए जाने का फैसला सुनाया गया। बुधवार को उसे रॉस के मजिस्ट्रेटों के सामने पेश किया गया था जिन्होंने मामले को आगे देखने के लिए असाइजेस को रेफर कर दिया है। मामले से जुड़े ये खास पॉइंट्स हैं जो कोरोनर और पुलिस कोर्ट से निकलकर सामने आए थे। इससे ज्यादा लानत के काबिल मामले की कल्पना मैं मुश्किल से ही कर सकता हूँ, मैंने कमेंट किया। अगर कभी मौके वारदात का सबूत एक मुलजिम की तरफ इशारा करता है तो यहाँ ऐसा ही मामला था। मौके वारदात का सबूत एक बहुत ही पेचीदा चीज है, होम्स ने विचार करते हुए जवाब दिया। किसी बात पर यह बिल्कुल साफ इशारा देता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर तुम अपने देखने के नजरिए को थोड़ा सा बदलते हो
तो तुम ये पा सकते हो कि ये उतने ही साफ तरीके से किसी बिल्कुल ही अलग बात की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इस नौजवान के खिलाफ ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर दिखाई देता है और बहुत ही मुमकिन है कि वास्तव में वही गुनाहगार हो। अड़ोस पड़ोस में कई सारे लोग हैं और उनमें से एक मिस टर्नर हैं जो पड़ोसी लैंडलॉर्ड की बेटी हैं, जो उसकी बेगुनाही में भरोसा करते हैं और जिन्होंने लेस्ट्रेड, जिसे तुम आ स्टडी इन स्कारलेट मामले से जोड़कर याद कर सकते हो, उसे उस नौजवान के फेवर में केस पर काम करने से रोक रखा है। मामले में खुद उलझने की बजाय लेस्ट्रेड ने इसे मेरे पास भेजा है और इसीलिए यही वजह है कि दो अधेड़ आदमी अपने घरों में अपने नाश्तों को सुकून से पचाने की बजाय इस वक्त वेस्ट की तरफ 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद, मैंने कहा, कि पॉइंट्स इतने साफ और क्लियर हैं कि इस मामले को हल करने का थोड़ा ही क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। एक साफ दस्तावेज से ज्यादा कोई भी चीज गुमराह करने वाली नहीं होती है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। इसके अलावा हमें कई और दूसरे साफ दस्तावेज जो मिस्टर लेस्ट्रेड के लिए किसी भी तरीके से साफ नहीं हो सकते हैं, उन पर विचार करने का मौका मिल सकता है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, ये सोचकर कि मैं डींगे मार रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि उन दस्तावेज में से या तो उनके सिद्धांत को साबित कर दूंगा या उसे बर्बाद कर दूंगा, जिन्हें इस्तेमाल में लाने या उन्हें समझ पाने तक में वो पूरी तरह से नाकामयाब हैं। अभी तुरंत ही इस बात का पहला एग्जाम्पल लो। बहुत ही साफ ढंग से मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बेडरूम में खिड़की दाहिने हाथ की तरफ बनी है और अब मैं पूछता हूँ कि क्या मिस्टर लेस्ट्रेड इतनी साफ और क्लियर बात को इस तरह से गौर कर सकते थे? इस पॉसिबिलिटी का अंदाजा तुमने कैसे लगाया? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।